हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। नीट 2020 के बाद 2021 के एस्पायरेंट्स और 2022 एस्पायरेंट्स एंड बियॉन्ड दैट, उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए ये सेशन मेरा समर्पित है। दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ नीट 2021, 2022, 2023 एंड बियॉन्ड। नीट 2020 हो चुका है और बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया है बच्चों आप सभी का। आज 3:30 बजे के करीब महेंद्र सर आपके साथ डिस्कशन करेंगे क्या कट ऑफ जा सकता है नीट पेपर का, जो कि बहुत ही बढ़िया पेपर गया है, बच्चों ने काफी ज्यादा सराहा है। और बायोलॉजी की तो बात करें यूं कि बिल्कुल जो है एनटीए ने जिस तरह के पेपर्स दिए और जिस तरह से एनसीईआरटी के ऊपर फोकस था, उस बात के ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो दी गई, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। यानी कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी लिए गए उनकी भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छे थे उन क्वेश्चंस के, और बढ़िया पेपर रहा कुल मिलाकर के। तो चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं आज का अपना ये सेशन पर्ल कल्चर के बारे में। मोती, मोती किस तरह से प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध होता है और किस तरह से मोती को कल्चर भी किया जा सकता है, यानी कि मोती को आर्टिफिशियली तो नहीं, प्राकृतिक तौर पर ही कुछ संशोधित तरीके से बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस वाले मोती में और थोड़ा सा आर्टिफिशियल वे में जो हम बनाते हैं, इंड्यूस करते हैं प्रोसेस को, दोनों में क्या फर्क हो सकता है, इसके बारे में आज जानने जा रहे हैं। असली और नकली मोती की पहचान भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप में भी मोती सी चमक बनी रहे, इस चीज की विशेष कामना के साथ ये सेशन करता हूं कि आप भी हमेशा अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी जिंदगी में चमकते रहें, असली मोती की तरह, सच्चे मोती की तरह। तो चलिए बच्चों स्वागत है आप सभी का जो इस वक्त सेशन पर आ चुके हैं। और मैंने भी देख लीजिए सेशन को बिल्कुल राइट टाइम स्टार्ट कर दिया आपके लिए, क्योंकि हमने सेशन को कंप्लीट करना है और इसके बाद आपको बने रहना है, क्योंकि जस्ट आफ्टर दिस नीट कट ऑफ के ऊपर चर्चा होगी और महेंद्र सर आपके साथ नीट कट ऑफ 2020 के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जितने बच्चे सेशन में हैं, बहुत बहुत स्वागत। गणेश ने ज्वाइन कर लिया, रिया, शशि, मिनाल, देन वर्षा, काफी बच्चे आ चुके हैं इस वक्त। तानिया ने ज्वाइन कर लिया, नमन, राहुल, यश, रिद्धि, बहुत से बच्चे आ चुके हैं, गुलशन। तो बच्चों बहुत सी नई चीजें आपको आज पता चलने वाली हैं मोती के कल्चर के बारे में, पर्ल कल्चर के बारे में, जिन चीजों के बारे में आज तक आपने नहीं सुना। तो और विलंब ना कराते हुए सेशन को शुरू करते हैं ऑन पर्ल कल्चर। देखिए आपको यहाँ पर मोती दिख रहे होंगे, ये रहे मोती। मोती तो यूजुअली व्हाइट कलर के दिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कई तरह की रंगों की छटा बिखेर रहे हैं। मोती जरूरी नहीं है बच्चों की व्हाइट ही हो, व्हाइट ऑफ कोर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन मोती में बहुत तरह के कलर भी देखने को मिलते हैं, बहुत तरह के शेड्स देखने को मिलते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शेफाली ने ज्वाइन कर लिया, युग ने ज्वाइन कर लिया, पल्लवी, रुचि, भूमिका, काव्या, दृष्टि आ चुके हैं, विजय आ चुके हैं, नमन आ चुके हैं, माधवी, अश्वानी, परवेज, स्वागत है बच्चों आप सभी का। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं मोती के ऊपर, पर्ल कल्चर के ऊपर, और जानते हैं चीजों के बारे में। सूर्या ने भी ज्वाइन कर लिया है, वेल डन राजश्री, थैंक यू फॉर ऑल दोज वंडरफुल हार्ट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। पर्ल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले देखिए पर्ल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और किस तरह से दिखते हैं और इनको किस तरह से कट करके अंदर से पर्ल को निकाल लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि बच्चों जब आप पर्ल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को अंदर से ब्रेक करते हो तो उस जीव की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये एक ऐसा सत्य है, कटु सत्य है, जिसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन प्रोसेस भी यही है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि इस सीप को जो कहते हैं, इनको ओस्टर कहते हैं, सीप कहते हैं, इनको कट करके ही निकाला जाता है। कई बार होता क्या है कि मछुआरे इनकी इनको पकड़ करके ले आते थे या जाल में फंस जाते थे, तो इनको फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग जैसे मछली खाई जाती है, उसी तरह से इन ओस्टर्स को भी खाया जाता है। तो खाने के प्रक्रिया में जब लोग अंदर खोलते थे तो मोती मिल जाता था। और ये कहानी आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। मोती तो तब से जाना जाता है जब से आप जब आपने सुना होगा कि राजा वगैरह का जो टाइम पीरियड होता था, उस टाइम से मोती चला आ रहा है। तो मोती देख लीजिए किस तरह से निकाला जाता है, पर्ल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
इन्हीं पर्ल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। ये जो छोटे छोटे बीज जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, यही मोती हैं। इसको लेकर के बाईवॉल्व कहते हैं, इसको डबल शेल्स होते हैं, बाईवॉल्व होते हैं, दो शेल वाले होते हैं, और इसको कट करके इसके मैंटल के बीच में, मैंटल और शेल के बीच में आपको दिखाई देता है मोती का फॉर्मेशन होता है। शेल और मैंटल लेयर के बीच में मोती का फॉर्मेशन होता है। होता कैसे? मोती को फॉर्मेशन को लेकर के कई सारी भ्रांतियां भी समाज में व्याप्त हैं। जैसे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट भ्रांति है लोगों के अंदर, ये है, और पुरानी किताबों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश का पानी होता है और वो किसी सीप के मुंह में चला जाता है तो कहते हैं कि मोती बन जाता है। जबकि इस बात का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो बाईवॉल्व्स होते हैं, ये मॉलिस्क होते हैं, ये समंदर की तलहटी में रहते हैं, नीचे रहते हैं, और इनके मोती बनने की प्रक्रिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको डिफरेंशिएट करना भी बताऊंगा असली और नकली मोती में। अच्छा, कुछ बच्चे फिर भी सोच रहे होंगे क्या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्वा कल्चर आपके सिलेबस का हिस्सा है, है ना। स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर में हम एक्वा कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, मराइन एक्वा कल्चर, फ्रेश वाटर कल्चर जिसको कहते हैं, तो एक्वा कल्चर में वो सारा का सारा आ जाता है, उसका पार्ट है। इतना डिटेल में नीट में ऑफ कोर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट बना रहेगा, और उस इंटरेस्ट लेवल की वजह से आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में सेट रहती हैं, फिट रहती हैं, आप भूलते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने देख लिया कि ये किस तरह से काम करते हैं। नाउ पर्ल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय बाईवॉल्व मॉलस्क के द्वारा प्रोड्यूस होता है। मैराइन भी होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, ज्यादातर मैराइन है। मैराइन जो मॉलस्क हैं उन्हीं से मोती की उत्पत्ति होती है ज्यादातर, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं बच्चों जिनसे मोती की उत्पत्ति होती है, और वो भी बखूबी मोती का प्रोडक्शन करने में कामयाब है। ठीक है, गोताखोर जाते हैं समंदर के अंदर और वहां से इन बाईवॉल्व्स को पकड़ के ले आते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो बाईवॉल्व्स गहराई में रहता है वो भला ऊपर स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंदों को, उसको पता कैसे चलेगा कौन उसके लिए कैलेंडर लेकर के बैठा है पानी के अंदर कि भाई स्वाति नक्षत्र लग गया है, अब आप जाइए बाहर जाइए और ऊपर जाकर के। एक और चीज, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हैं, समझते हैं, आप प्रेशर के बारे में जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानते हैं, इसी तरह से वाटर प्रेशर भी होता है, वाटर बॉडीज के अंदर भी प्रेशर काफी ट्रिमेंडस होता है, तो उस प्रेशर से निपटने के लिए ये अपने शरीर के अंदर एक्लामेटाइजेशन करते हैं, यानी कि एक तरह की चेंजेस करते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। अब किसी हाई प्रेशर वाले ऑर्गेनिज्म को, जीव को, थोड़ा ऊपर की सतह पर अगर हम ले आए जहां वाटर का प्रेशर कम है, तो उसको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे हमारे लिए, हम पहाड़ों में अगर चढ़ जाएं तो एयर प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो उस कम प्रेशर में हमें ऑक्सीजन बखूबी नहीं मिलता है। तो वही सेम चीज इनके लिए भी एप्लीकेबल होती है, इन मोती के लिए भी। तो कहने का मतलब है, समंदर की तलहटी में पाए जाने वाले ये बाईवॉल्व मॉलस्क, ये ऊपर आएंगे इस बात की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये कुछ हमारे फिशेज हैं जो मोती प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पिंक टेडा मैक्सिमा, सबसे बड़ा मोती भी यही प्रोड्यूस करता है, पिंक टेडा मैक्सिमा मैराइन है। इसके अलावा पिंक टेडा की बहुत सारी वैरायटीज हैं, यानी कि कई स्पीशीज है, पिंक टेडा वल्गैरिस, पिंक टेडा फ्यूकेटा, पिंक टेडा चेमनिड्स, पिंक टेडा मार्गरिटी फेरा, पिंक टेडा एनोमोइडस, पिंक टेडा एट्रोपोरपुरिया, हेलोइटेस, माइटिलस, प्लैक्यूना मैक्सिका, प्लैक्यूना प्लेसेंटा, यूनियो मार्गरिटी फेरा। अब आप ध्यान दें, ये सारे के सारे जो साइंटिफिक नेम है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस का हिस्सा सिर्फ पिंक टेडा है, यानी कि जीनस पिंक टेडा, याद रखिए, पिंक टेडा के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा जीव है, तो पिंक टेडा एसपी आपके सिलेबस का हिस्सा है। बाकी ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दी, जिनको इंटरेस्ट है वो याद रख सकते। बड़े यूनिक होते हैं पर्ल्स, एंड दे आर द ओनली जेम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले जेम्स में ये अनोखे हैं और अकेले हैं। कोई भी जेमस्टोन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं होता। हाँ, डेड ऑर्गेनिज्म से एक जेमस्टोन और बनता है, जिसको कोरल कहते हैं, मूंगा कहते हैं। मूंगा की चट्टानें, आपने सुना होगा मूंगा की चट्टानों के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ा होगा, कोरल जिनको कहते हैं, कोरल रीफ के बारे में पढ़ा होगा। तो कोरल से मूंगा बनता है, एक तरह का पत्थर, वो भी जेमस्टोन है, रेड कलर का होता है, लेकिन वो डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बनता है,
यानी कि जब कोरल्स की डेथ हो जाती है एक के ऊपर एक वो सेटल हो जाते हैं, वहां पर जाकर के मूंगा बनता है। लेकिन मोती अकेला एक ऐसा जेमस्टोन है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालने के क्रम में इस ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है। इसमें कोई बात माननी पड़ेगी आपको ये बात, ठीक है। नाउ बनता कैसे है, एग्जैक्ट प्रोसेस में आ जाते हैं। तो पर्ल इज फॉर्म्ड ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ मेंटल ऑफ पर्ल ओस्टर इन रेस्पॉन्स टू इरिटेशन कॉज्ड बाय द स्टिमुलाई, यानी कि फॉरेन पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, पर्ल यानी कि ओस्टर जो है वो ओस्टर कहां रहता है, समंदर के नीचे रहता है। कई बार आपने देखा होगा समंदर के नीचे भी बहुत से जीव पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस वो समंदर की सैंड के नीचे घुसने की कोशिश करता है, या कुछ कटल फिशेज हैं और भी तरह की मछलियां, इनके बीच में खाने को लेकर के कई बार आपाधापी भी होती है, यानी कि इनका एक दूसरे का पीछा करते हैं, शिकार करते हैं। इस क्रम में जो समंदर के नीचे तलहटी में बालू होती है, सैंड होती है, वो जो है दैट गेट्स स्कैटर्ड, वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। अब ये बाइवॉल्व खाना खाने के लिए जब अपने शेल को ओपन करते हैं, अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इनके शेल के बीच में वो कण, बालू के कण, सैंड के कण फंस जाते हैं, जिससे इनकी बॉडी को इरिटेशन होता है। कोई भी नुकीली चीज अगर इनकी बॉडी मेंटल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाएगी तो इनको इरिटेशन होगा। उस इरिटेशन से निपटने के लिए ये एक तरह का प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन कहां से सिक्रीट होता है, मेंटल मेम्ब्रेन के ग्लैंड सिक्रीट करते हैं प्रोटीन को। उसी प्रोटीन की सिक्रीशन की वजह से राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि मोती का रूप रख लेता है। अब आप खुद ही सोचे, मोती के अगर क्रॉस सेक्शन को हम देखें तो इसके कोर में कोई ना कोई सैंड ग्रेन रहेगा, कोई ना कोई कण पाया जाएगा, जिस कण के ऊपर पूरा का पूरा कवरिंग बनी हुई है। समझ में आई बात। तो फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट ये अपना सिक्रीशन करते हैं। मेंटल मेम्ब्रेन तो आप जानते ही हैं, फाइलम मोलुस्का में शेल के नीचे होता है मेंटल, जिसके नीचे होते हैं वाइसरल ऑर्गन। वाइसरल ऑर्गन का प्रोटेक्शन देता है मेंटल मेम्ब्रेन। और मेंटल मेम्ब्रेन किस तरह का होता है, एक रबर लाइक स्ट्रक्चर, एक पतली सी झिल्ली की तरह होता है मेंटल। मोलुस्का फाइलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ये भी आप जानते हैं। और इसमें बहुत सारे होते हैं, मैराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, तो इनके बारे में आप एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। नाउ कल्टीवेशन ऑफ पर्ल इज डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब इस चीज को हमें पता चल गया, इंसानों ने ढूंढ लिया कि भाई इनके अंदर अगर कोई इरिटेंट पहुंच जाए तो ये एक प्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या था, हमें तो बस इतनी नॉलेज चाहिए कि बनता कैसे है। लोगों ने ढूंढ लिया प्रोसेस की कैसे बनता है, बस अब तो शामत नहीं थी, समंदर के अंदर गए और पकड़ पकड़ के ले आए, इनको पकड़ के ले आए और इनके अंदर जानबूझकर ग्राफ्ट लगा दिया गया। बालू के कण बाई चांस मिल जाया करते थे इनको और ये मोती बना लेते थे। ये भी सोच में पड़ गए होंगे क्यों हमने वो तरीका इस्तेमाल किया जिसकी वजह से हमारी जान पर बनाई। इनको पकड़ के ले आया जाता है, लाने के बाद तुरंत इनको अगर हम ग्राफ्टिंग करेंगे या कोई भी कण इस तरह का बॉडी में डालेंगे तो तुरंत ये नहीं करेंगे सिक्रीशन, और एक तरह का शॉक लग जाता है अगर इनको हम ओपन करें तो। पहले इनको पानी, गहरे पानी से ला करके शैलो वाटर में रखा जाता है, उथले पानी में रखा जाता है, जैसे कि इस तरह के टैंक में, समंदर का ही पानी है लेकिन इनको टैंक में रख दिया गया। अब जब टैंक में रखा गया, कुछ बेचारे जिंदा रहते हैं और कुछ मर जाते हैं, क्योंकि यहां प्रेशर तो है नहीं इतना ज्यादा, जो समंदर के बेस में जितना प्रेशर होता है उतना प्रेशर है नहीं, तो कुछ तो जिंदा रहते हैं और कुछ मर जाते हैं। अब इंसानों ने देखा, मतलब हम सब ने देखा, हम भी इंसान ही हैं, हमने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो चलिए फिर क्या था, अब तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक आ गई है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा करके एग को भी हैच करा लिया जाता है और उनसे प्रोडक्शन भी हो जाया करता है। समझ में आई बात। तो इस तरह की टेक्निक को भी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब क्या था, अब तो मोती बनना सुगम हो गया, आसान हो गया। और भी आसान तब हुआ जब हमने डिजाइनर ग्राफ्ट लगाने शुरू कर दिए, यानी कि अब मोती आपको बाजार में ऐसा भी मिल सकता है कि मान लीजिए गणपति जी के आकार का मोती मिल रहा है, तो गणपति जी के आकार का मोती कैसा आएगा। इसका मतलब जो ग्राफ्ट उसकी बॉडी में लगाया गया वो ग्राफ्ट थोड़ा साइज में बड़ा था और उसमें गणपति जी का शेप दिया गया। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात को पूरी तरह से आपको समझने में मदद करता हूं। ओस्टर्स आर प्लेस्ड इन शैलो सी बेड फॉर सम ईयर।
कुछ सालों तक इनको शैलो सी बेड में ला करके रख दिया जाता है, नेट लगा करके, जाल लगा करके, इस तरह से इनको बांध करके शैलो वाटर में लटका के रख दिया जाता है कुछ सालों के लिए। ध्यान दीजिए, यहां पर ये समंदर का बेस है बिल्कुल, और यहां पर देख लीजिए, ये इस तरह से बांध करके इनको लटका दिया जाता है। अब वो शैलो वाटर में कुछ साल तक रहते हैं, कुछ साल रहने के बाद इनकी फिर आदत पड़ जाती है। नाउ इसी काम को अंजाम देने के लिए हमारी कंट्री में सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टूटीकोरिन में, जो टूटीकोरिन हमारे साउथ इंडिया का एक शहर है। इंडिया में इसकी काफी ज्यादा तादाद में कल्टीवेशन पर ध्यान दिया जाता है, खेती करी जाती है। लेकिन पर्ल का जो असली कल्टीवेशन था स्टार्टिंग में, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा इसका चलन था, सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में चलन था। पर्शियन गल्फ में पर्ल डाइवर जो पानी के अंदर गोताखोर थे, वो गोताखोरी करते थे, अंदर गोता लगा करके जाते थे और पर्ल सीप को पकड़ के लाते थे, सीप यानी कि ओस्टर, और उन्हीं ओस्टर से पर्ल निकाल लिया जाता था। ठीक है प्रियांशु, समझ में आ रहा है? शेफाली, अन्वेषा, तो पकड़ कर ले आते थे। अब जो पर्ल डाइवर होते थे बच्चों, पर्ल के लिए तो एक नुकसानदायक खेल है ही है, क्योंकि उसको पकड़ के ले आ जाता, मार दिया जाता है। लेकिन जो पर्ल डाइवर गोताखोर जाते थे, पहले कोई भी इस तरह के इक्विपमेंट नहीं होते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर या इस तरह की चीजें, तो गरीबी के कारण लोग इस पेशे को अपनाते जरूर थे, लेकिन बहुत से लोगों की जान का भी खतरा रहता था। गहरे पानी में दम घुटने से कई बार लोगों की मौत हो जाया करती थी। तो वो भी एक अलग अध्याय है कि किस तरह से पर्ल डाइवर्स की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में इतनी डिफिकल्टी नहीं बची है। रीजन बीइंग, अब स्क्यूबा डाइविंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया है, और दूसरा इसका कल्टीवेशन तो हम वैसे ही कर लेते हैं आज की डेट में, लेकिन दोनों मोतियों में फर्क है, जो कल्चर्ड पर्ल है और जो एक्चुअल पर्ल। ऊपर से देखने में फर्क नहीं, अंदर फर्क है। बात करते हैं इसके बारे में, ये देख लीजिए, पर्ल ओस्टर की टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम मॉलुस्का, क्लास बाइवेल्विया, ऑर्डर टेरियोइडा, फैमिली टेरिडे एंड जीनस पिंक टेडा। इतना अगर आप याद रखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन आपके काम का है। ठीक है, स्टेप्स इन कल्चरिंग, एक एक करके स्टेप्स को देखते हैं और किस तरह से सुंदर सुंदर मोती बनाए जाते हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। नेचुरली तो आपको बता ही दिया, आप आर्टिफिशियली कैसे करते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ ओस्टर्स, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मैराइन हो, उन ओस्टर्स का कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन करने के बाद इनको स्पैट्स कहते हैं। स्पैट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम स्पैट फॉलिंग एरियाज ऑफ सी बाय प्लेसिंग सम केजेस और बाय ओस्टर स्पैट कलेक्टर। ओस्टर स्पैट कलेक्टर, ये देख लीजिए, ये ओस्टर के स्पैट, छोटे छोटे ओस्टर्स को पकड़ रहे हैं, जिनको स्पैट्स कहा जाता है। छोटे ओस्टर्स को स्पैट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन स्पैट्स को कलेक्ट करने वाले लोग हैं जिनको पहचान होती है ना, या छोटे छोटे पिंजड़े रख दिए जाते हैं जिनमें ऑटोमेटिकली स्पैट्स आकर के फंस जाते हैं उन्हीं पे, ये देख लीजिए, इस तरह फंस जाते हैं पिंजड़ों में। ठीक है, तो यहां से हमने ओस्टर कलेक्ट कर लिए रिवर्स वगैरह से, और समंदर में तो अंदर से लाना पड़ेगा। नाउ हेल्दी म्यूसल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड एंड रिवर, और इनका आइडियल साइज होता है 8 सेंटीमीटर, ऐसे चौड़ाई में 8 सेंटीमीटर के साइज का लाया जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ में, यानी कि ऐसे करके ब्रॉड होते हैं ना ये, थोड़ा सा इलॉन्गेटेड ओवल एलिप्टिकल शेप के होते हैं, तो जो एलिप्स की लेंथ है उस लेंथ के हिसाब से 8 सेंटीमीटर के करीब करीब इनको एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ में पकड़ करके ले आया जाता है, एंड मेड श्योर दैट दे आर द हेल्दी वंस। अब इसको ले आए, लाने के बाद इन विट्रो एग्स ऑफ पर्ल आर फर्टिलाइज्ड एंड द यंग वंस आर ऑब्टेन्ड। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लिया जाता है और उसके बाद जो यंग वंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन यंग वंस को यूटिलाइज किया जाता है बाकी के कामों के लिए। ठीक है, यानी कि उनको अपग्रो कराया जाएगा। नाउ रियरिंग ऑफ पर्ल, इनकी रियरिंग किस तरह से करी जाती है, तो इस तरह के केजेस वगैरह में, ये देख लीजिए, फंसे हुए हैं, इसी तरह बांध करके इनको पानी के नीचे लोअर कर दिया जाता है, और ये ऐसे ही बंधे रहते हैं सालों साल, ऐसे ही बंधे रहते हैं, ये अपने आप को अलग भी नहीं कर पाते और वही पानी के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। नाउ दे आर रियर्ड इन सी, समंदर में रियरिंग होती है, एस्चुअरीज में रियर किया जाता है जहां पर मिक्स्ड वाटर होता है। एस्चुअरीज यानी कि रिवर्स का जो मुहाना होता है, डेल्टा बनाता है या एस्चुअरीज बनाता है, जो समंदर से मिलने का जो स्थान होता है नदियों का, उसको एस्चुअरीज कहते हैं। एंड ब्रैकिश वाटर बॉडी में भी रखा जाता है। ब्रैकिश वाटर मतलब मिक्स्ड वाटर, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स्ड है, तो इसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। नाउ
After being removed from the collectors, the young oosters are reared until they are mature enough to undergo the grafting procedure. यानी कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूस किए गए ओस्टर उनको रखा गया शैलो वाटर में ताकि इनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब चूंकि ये शैलो वाटर में ही ग्रो कर रहे हैं तो इन्होंने एक्लामेटाइज कर लिया है उस क्लाइमेटिक कंडीशन को। अब इनके अंदर ग्राफ्टिंग प्रोसेस किया जाएगा। असली कहानी अब शुरू हो रही है। ठीक है, ग्राफ्टिंग करते कैसे हैं ये देखिए। ओस्टर्स आर रियर्ड एट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ग्राफ्टिंग वर्कशॉप में रियर किया जाता है सो दैट दे कैन बिकम एक्लिमेटेड to new surrounding before undergoing the grafting procedure operation. Grafting procedure operation करने से पहले इनको उसी environment में काफी वक्त तक रखा जाता है ताकि ये अपने आप को adjust कर लें उस पर्यावरण में, उस environment में। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी grafting के बाद इनकी rearing करी जाती। देख लीजिए किस तरह cages में इनको रखा जाता है। इन पिंजड़ों को समंदर में पानी में लटका दिया जाता है, ऊपर बांध करके रखा जाता है और इनमें ग्रोथ हो रही है। देख लीजिए गोताखोर किस तरह से डाइवर्स जा करके देख रहे हैं इनकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि जो डेथ हो जाती है, जिनकी जो मर जाते हैं उनको हटाना पड़ता है, नहीं तो पूरे के पूरे उस एरिया में दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद कलेक्टेड ओस्टर्स आर फर्स्ट क्लीन्ड एंड देन प्लेस्ड इन द रियरिंग केजेस। इनको सबसे पहले क्लीन किया जाता है और फिर रियरिंग केजेस में रख दिया जाता है। ये है प्रोसेस। देख लीजिए धुलाई करना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल क्लीन करके इनको फिर रखा जाता है। Cages are divided into few smaller chambers and covered with wire net. Wire net से cages को divide कर दिया जाता है और इस तरह से देख लीजिए पूरी की पूरी लाइन है, यहां पर देख लीजिए पूरी की पूरी लाइन है जहां पर इनकी ग्रोथ हो रही है। पूरा का पूरा समंदर का इलाका यूटिलाइज किया जा रहा है पर्ल कल्टिवेशन में। तो आपको समझ में आ गई बात कि वायर नेट के सहारे किस तरह से इनको शैलो वाटर में रखा जाता है। बहुत ही अनोखा दृश्य होता है अगर आप रियलिटी में जाकर के देखें। नाउ केजेस आर प्लेस्ड इन सी वाटर इन हैंगिंग पोजीशन। अब इन केजेस को सी वाटर में चुभा करके रख दिया जाता है हैंगिंग पोजीशन में। ये देख लीजिए इनको हैंग करके रख दिया जाता है, समझ में आई बात, हैंग करके रख दिया जाता है और यहां पर इनकी ग्रोथ हो रही होती है। Now, well protected from natural enemies of oyster. इनके जो natural enemies हैं, जैसे कि octopus हो गए, eels हो गए, ये oysters को break करके खा जाते हैं। तो जब hang कर दिया गया तो ये जो octopus वगैरह हैं, ये ऊपर नहीं आ पाते, तो वहां पर ये इनको protection भी रहता है proper, यानी कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने पाती है। Now, it remains in the sea water for a period of about 10 to 20 days so that oysters can recover due to excessive handling and for the adjustment ऑफ शैलो वाटर कंडीशन। इनका जो स्ट्रेन मौजूद हुआ, माने नीचे से पकड़ के ऊपर ले आए, तो इनको शैलो सी वाटर में कुछ वक्त के लिए रखा जाता है, क्योंकि हम समंदर के अंदर जाकर के ग्राफ्टिंग तो करेंगे नहीं। ग्राफ्टिंग करने के लिए तो बाहर ही लाना पड़ेगा, लैब के एनवायरमेंट में लाना पड़ेगा। और अगर इनको एकदम से बाहर निकाल के ग्राफ्टिंग शुरू कर दी गई तो इनके बचने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, सो पर्ल्स फॉर्म्ड आर व्हाइट टू क्रीमी, व्हाइट से क्रीमी कलर के पर्ल देखने को मिलते हैं। Now, insertion of nucleus. किस तरह से न्यूक्लियस को इंसर्ट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग न्यूक्लियस इनटू द रियर्ड ओस्टर। देख लीजिए इस चेंबर के अंदर जो ओस्टर्स हैं, ऊपर से छोटे छोटे बालू के कण और ग्राफ्ट गिराए जाते हैं। एक तो ये भी तरीका है, इससे कुछ कुछ पहुंच जाता है इनके अंदर तो छोटे मोती इस तरह से बन जाते हैं। बड़े मोती के लिए इनको पकड़ करके प्रॉपर ऑपरेशन किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है। ध्यान दीजिए, spherical shell beads 2 mm diameter prepared out of a thick shell of other mollusk usually freshwater mollusk us nucleus ki grafting hoti hai yani ki inke shell ko hi cut karke 2 mm diameter ke chote chote granule bana liye jate hain unhi chote chote granule ko fit kar diya jata hai inke mantle ke beech mein inko dheeme se open kiya jata hai aur uske andar chupchap fit kar diya jata hai nucleus ko। The nucleus is placed on a graft tissue, a graft tissue के ऊपर रख करके। Now what is this graft? It is a piece of tissue cut off from the mantle of another oyster. Another oyster के mantle 2x2 mm के graft को बना करके उसके बीच में nucleus को fit करके body के अंदर fit कर दिया जाता है ताकि induce हो जाए। ये देख लीजिए nucleus, देख रहे हैं? So this is the nucleus, है ना? और ये देखिए ये थोड़ा बड़ा nucleus है, ये बड़ा nucleus ये रहा मोती। इसको कट किया गया तो अंदर का न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। इस तरह का एक ग्राफ्ट या न्यूक्लियस, ये देखो ये भी एक मोती है, ये इलोंगेटेड है और ये स्फेरिकल है। दो तरह के मोती आपने देख लिए, इलोंगेटेड और स्फेरिकल। सो न्यूक्लियस इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राफ्ट टिश्यू, पीस ऑफ टिश्यू कट ऑफ फ्रॉम मेंटल ऑफ अनदर ओस्टर के
मेंटल को कट करके ग्राफ्ट बना दिया जाता है और लगा दिया जाता है. ग्राफ्ट टिश्यू प्लेस्ड इनटू द इंसिजन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द न्यूक्लियस इज प्लेस्ड ओवर द ग्राफ्ट टिश्यू. तो ग्राफ्ट टिश्यू को इंसिजन प्लेस में जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर रख दिया जाता है. दिस ग्राफ्ट टिश्यू एक्ट एज अ बेड फॉर द न्यूक्लियस. अब ध्यान दीजिए बच्चे, कल्चर्ड जो पर्ल है उसके अंदर ग्राफ्ट यानी कि पर्ल न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है, आप खुद ही देख लें इतना बड़ा एरिया, यहां पर ग्राफ्ट बहुत बड़ा लगाया गया है. लेकिन जो नेचुरल पर्ल होता है उसमें ग्राफ्ट देखिए कितना छोटा होता है. ग्राफ्ट क्योंकि ग्राफ्ट तो होता नहीं, वो तो नेचुरली अकरिंग है ना, उसके अंदर छोटा सा ग्रेन बनता है और ऊपर से नेकर की लेयर रिलीज होती है. नेकर का मतलब होता है प्रोटीन लेयर रिलीज होती है, समझ में आई बात. तो ग्राफ्ट टिश्यू को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं मेंटल में, अंदर वाइसरल हम्प के पास नहीं लगाया जाता. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास के इलाके में ग्राफ्ट कर दिया जाता है और इनमें नेकर का सिक्रीशन शुरू हो जाता है. नेकर के सिक्रीशन से ही बनता है पर्ल. शेल्स को क्लोज कर दिया जाता है ऑपरेशन करने के बाद. देख लीजिए कुछ इस तरह से ऑपरेट किया जाता है. तो शेल्स आर क्लोज्ड, होल ऑपरेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 30 मिनट. इस पूरे के पूरे ऑपरेशन प्रक्रिया को 30 मिनट से अधिक वक्त नहीं लगाया जाता, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाते. ये देख लीजिए ये एक्सपर्ट है किस तरह से इन्होंने हल्का सा उसको खोल रखा है, एक क्लिप लगा करके उसको खोल रखा और ग्राफ्ट को उसके मेंटल और शेल के बीच में लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं. तो ग्राफ्ट को उठा करके बड़े एक्सपर्ट हैंड होते हैं, एट ए टाइम एक एक मोती में 4-6 ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं और उतने मोती बन जाएंगे, यानी कि एक एक सीप में 4-6 ग्राफ्ट लगा दिए जाते हैं और उतने ही मोती बन जाते हैं. ध्यान दीजिए बच्चों, न्यूक्लिएटेड ओस्टर्स placed into the cages are suspended into sea water and the cages are attached with floating raft up to a depth of 2-3 meters. इनको sea water में अब लटका दिया जाता है और raft floating होते हैं, उन्हीं से लटके रहते हैं, है ना, 2-3 meters अंदर तक ही रहते हैं sea water के अंदर. These cages are kept generally undisturbed in this position for 3-6 years. इन cages को 3-6 साल तक रखा जाता है इसी condition में पानी के अंदर ऐसे चुभा करके, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दे आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. इसके बाद वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, समझ में आई बात. नाउ हैव अ लुक हियर, हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल्स, ये रहा तरीका पर्ल को हार्वेस्ट करने का. वही पर्ल्स हैं जिनको शैलो वाटर में रखा गया, इनमें हर एक पर्ल के अंदर मोती, अब आप किसी किसी के अंदर तो देखिए करीब 8-10 मोती दिखाई दे रहे हैं, जो जितना बड़ा साइज उतने ज्यादा ग्राफ्ट लगा दिए गए और सारे, ये देखिए मोती दाने जैसे जो दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब मोती हैं, जो दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब मोती हैं, जितने ग्राफ्ट लगाए उतने मोती पाए, ठीक है. तो ये रहा हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल का प्रोसेस, इस तरह से पर्ल की हार्वेस्टिंग होती है, बात समझ में आई आपको. नाउ ओस्टर्स आर रिमूव फ्रॉम वाटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को इंसर्ट करने के करीब करीब 3 साल बाद इनको वाटर से निकाल लिया जाता है, केजेस से निकाल लिया जाता है. 3 साल तक ये उसी केज के अंदर रहे और अंदर मोती बनता रहा, उसके बाद इनको निकाल लिया जाता है. निकालने के बाद इनका कल्टीवेशन कर लेते हैं. नाउ ध्यान दीजिए, रिमूव्ड फ्रॉम वाटर इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू फरवरी में निकाला जाता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम रहता है तो उस टाइम पर इनको निकालने में आसानी रहती है. एंड द पर्ल्स आर टेकन आउट बाय क्रशिंग द ओस्टर. दिसंबर से फरवरी के महीनों में इनको निकाल करके उसके शेल को क्रश करके और बढ़िया मोती निकाल लिया जाता है. जाहिर सी बात है कि ओस्टर की तो डेथ हो ही जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं. ईच ओस्टर कैन फॉर्म 3-4 pearls इन देयर 15 year ऑफ लाइफ स्पैन. इनका लाइफ स्पैन करीब 15-1 साल का माना जाता है, तो 15 साल के लाइफ स्पैन में हर हार्वेस्टिंग में 3-4 pearl, यानी कि जब भी इनको हार्वेस्ट किया जाए 3-4 pearl तो ये दे ही देते हैं, समझ में आई बात. जब भी आप ग्राफ्ट करें, बहुत छोटे में अगर ग्राफ्ट कर देंगे तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होगा, थोड़े बड़े साइज में होने के बाद ग्राफ्ट करने से बढ़िया क्वालिटी का मोती निकलता है, ठीक है. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ पर्ल, पर्ल किस चीज से बना हुआ रहता है. पर्ल देख लीजिए आप, पर्ल की बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, हमारी कंट्री में भी डिमांड है, अलग अलग टाइप के पर्ल भी होते हैं. इनका कॉम्पोजिशन क्या है, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द शेल ऑफ सर्टेन मॉलस्क एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अ पोटेंशियली थ्रेटनिंग इरिटेंट सच एज अ पैरासाइट इनसाइड द शेल, कोई पैरासाइट पहुंच गया तो भी होता है, और एन अटैक फ्रॉम आउटसाइड दैट इंजर्स द मेंटल टिश्यू, या किसी इंजरी के कारण या किसी ग्रेन के
फिट हो जाने के कारण वहां पर, जिससे इनको खतरा रहता है, ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में एक तरह का प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं और उस डिफेंस की तहत ही बनता है मोती। समझ आई बात? कल्चर्ड पर्ल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नेचुरल पर्ल बाय एक्सरे एग्जामिनेशन। अगर एक्सरे एग्जामिनेशन कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कल्चर्ड पर्ल है। ये देख लीजिए, एक्सरे एग्जामिनेशन में शेल के अंदर दिख जाता है कौन से गुड क्वालिटी का पर्ल है, कौन से छोटे क्वालिटी का पर्ल है और कौन सा इंफीरियर क्वालिटी का पर्ल है, ये सब एक्सरे एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। न्यूक्लिएटेड कल्चर्ड पर्ल आर ऑफन प्रीफॉर्म्ड एज दे टेंड टू फॉलो द शेप ऑफ द इम्प्लांटेड शेल बीड न्यूक्लियस। जैसा शेल बीड न्यूक्लियस इसके अंदर लगाया जाएगा वैसा ही शेप ये अख्तियार कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि बड़े अलग अलग तरीके के भी बनाए जाते हैं शेल्स, जैसे गणपति जी के आकार का बना दिया मोती, तो जिस तरह का ग्राफ्ट आप लगाएंगे उसी तरह का बन करके निकलेगा प्रोसेस। ये देख लीजिए, तो फॉरेन बॉडी, मैंने आपको बताया था कि शेल और मेंटल के बीच में, ये रहा शेल और ये रहा मेंटल, इसके बीच में कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर दिया गया। अब यहां प्रोटीन की लेयर सिक्रीट होनी शुरू हो जाती है और उसी प्रोटीन की लेयर से ये देख लीजिए नेकर का सिक्रीशन शुरू हो जाता है और ये कंप्लीट नेकर हो जाता है और फाइनली ये उस मेंटल के बीच में आ जाता है और मदर ऑफ पर्ल वाली जो लेयर है उस लेयर से ये आउट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बस इसी तरह से मोती का सृजन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन ऑन पर्ल। स्पेशल क्लासेस का स्केड्यूल आप देख लीजिए, स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना बहुत आवश्यक है, इससे आपको अपडेट मिल जाता है, आइडिया लग जाता है कि अन अकेडमी नीट प्लेटफॉर्म पर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से आपको लेक्चर अटेंड करने हैं। ये रहा दीपक सर की क्लासेस का स्केड्यूल यूट्यूब पर, और मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th की बारी है यूट्यूब पर। आज शाम 7 बजे सेल चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है उसके ऊपर डीपीपी सेशन है जहां पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कल से स्टार्ट कर देंगे न्यू चैप्टर प्लांट एनाटॉमी क्लास 11th में। थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th की बारी होती है 7 PM, देख लीजिए मेरे सेशंस होते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना भी बहुत आवश्यक है। टेलीग्राम चैनल के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, गो टू द ब्राउजर, टाइप livedaily.me/chat और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। चैनल के साथ जुड़ते ही आपको अपडेट्स मिलने लग जाते हैं अपने सेशन से रिलेटेड। livedaily.me/neet एक और बेहतरीन फीचर जिसके थ्रू आप सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। हमारे जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं यूट्यूब पर, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल, उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहां से मिल जाती है। बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मिलती है यहां पर लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, वो भी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू। यू कैन इंटरेक्ट विद अस लाइव पोल, लीडरबोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर देखने को मिलते हैं। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग हैं, तो इन बैचेस के साथ जुड़ें, अपनी तैयारी को और उम्दा करें। राइट, ये रहे हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, प्राइस हाइक होने वाली है, सो जल्दी ज्वाइन करें एंड यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। मेरी गाइडेंस में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट, सो हरी अप। करना क्या है इसके लिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के। आफ्टर दैट गेट प्लस ऑप्शन सिलेक्ट करिए, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए और फिर ये विंडो आ जाएगी। यहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर लें। 9th, 10th, 11th के बच्चे 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है क्योंकि देखिए द प्राइसिंग कम्स टू अराउंड जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ, है ना, और कंप्लीट ड्यूरेशन तक आप कवर्ड रहते हैं। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। बच्चों जिस तरह से किसी जटिल ऑपरेशन को करने के लिए सर्जन की पूरी टीम की आवश्यकता होती है, वैसे ही नीट एग्जामिनेशन को भी क्लियर करने के लिए आपको पूरी टीम, एजुकेटर्स की पूरी टीम की आवश्यकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप हमारी पूरी की पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं इस कोड के साथ प्रदीप लाइव। 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये प्राइस हाइक होने वाला है, तो इस वजह से जल्दी ज्वाइन कर लें। अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। इसके साथ साथ #NeetLiveDaily पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेईई, अनअकैडमी फॉर 9th, 10th एंड 11th, 12th ऑल आर आवर सिस्टर चैनल। टुगेदर लेट्स क्रैक इट।
एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यूज कोड प्रदीप लाइव। आपको मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ यू गेट 10% डिस्काउंट। माय बेस्ट विशेस एंड माय गाइडेंस विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन एट 7 PM शार्प। टेक केयर।